आईसीसी T20 2020 का विश्व कप ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। जी हाँ, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर ये आ रही है कि जो क्वालिफायर्स का टूर्नामेंट हो रहा था वो नीदरलैंड ने जीत लिया है फाइनल में पापुआ ने गिनी को हरा के। तो ये बहुत ही बड़ी खबर है, क्योंकि जो आपको याद होगा जो पहले जो सुपर 12 की टीम थी उसके अलावा 6 टीम और ऐड हुई हैं। तो मान लीजिए आप टोटल इस टाइम आपको 16 टीमें दिखेंगी जो आपस में भिड़ेंगी। आपको याद होगा आयरलैंड, नीदरलैंड, ओमान, स्कॉटलैंड, पापुआ न्यू गिनी और नामीबिया, ये 6 ऐसी टीमें हैं दिग्गज जिन्होंने अपनी दावेदारी पेश करनी चाहिए और वो क्वालिफाई कर चुके हैं अगले मेजर टूर्नामेंट के लिए। जी हाँ, अब जो सुपर 12 के मुकाबले होंगे उससे पहले जो क्वालिफाइंग राउंड होगा यानी कि जो एक टायर वन के भी मैचेस होंगे, आपको याद होगा श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और एक और ऐसी टीम है जो अभी तक क्वालिफाई नहीं कर पाए, वेस्ट इंडीज़, माफ कीजिएगा, जो डिफेंडिंग चैंपियंस है। जी, आपको अनुमान लगा सकते हैं 2016 की डिफेंडिंग चैंपियंस इस बार क्वालिफाई करेगी। तो जो राउंड होगा ये खेला जाएगा 18 अक्टूबर से 23 अक्टूबर अगले साल ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद सुपर 12 के मुकाबले शुरू होंगे 24 अक्टूबर से। उसी दिन पहला मैच भारत का है। जी हां, भारत भिड़ेगा साउथ अफ्रीका से, जो पहला अपना ओपनिंग मैच होगा, 24 अक्टूबर की बात कर रहा हूं। और ओपनिंग मैच पूरे टूर्नामेंट का अगर सुपर 12 की बात की जाए तो वो सबसे फैसिनेटिंग कॉन्टेस्ट होगा, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान। लेकिन बड़ी खबर यह है, बड़ी खबर कि नीदरलैंड ने अपनी जगह बना ली है T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर जीत के। उन्होंने हराया पापुआ न्यू गिनी को और 6 टीमें अब दावेदारी पेश करेंगी। टोटल 16 टीमें होंगे, इनके 4-4 के ग्रुप बनेंगे, लेकिन कौन क्वालिफाई करता है देखना बहुत ही बड़ी बात होगी। बहुत ही दिलचस्प ये टूर्नामेंट होने वाला है, बहुत ही रोमांच से भरा, क्योंकि आपको अंदाजा लगा सकते हैं जब नई नई टीमें आती हैं, नए नए कॉन्टेस्ट होते हैं, नई नई इंट्रीगिंग मैचेस होते हैं, बहुत ही फैसिनेटिंग रिजल्ट्स कभी कभी सामने आते हैं। कोई अंडरडॉग किसी बिग गन्स को बीट करता है, किसी हैवी वेट को धराशायी करता है, तो इससे अच्छा T20 फॉर्मेट क्रिकेट के लिए कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सबसे जो क्रूशियल चीज़ है वो ये है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि जो प्लेऑफ्स होंगे यानी कि जो सेमीफाइनल राउंड होंगे, जो फाइनल होंगे वो कहाँ और कब खेला जाएगा। सबसे पहले शुरू करते हैं सेमीफाइनल वन, जो टीमें सेमीफाइनल वन में पहुंचेंगी वो भिड़ेंगी 11 नवंबर 2020 में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में। उसके बाद 12 नवंबर को दूसरा सेमीफाइनल होगा, वो एडिलेड में खेला जाएगा। और वहीं जो फाइनल खेला जाएगा वो खेला जाएगा 15 नवंबर को MCG मेलबर्न, यानी कि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में जो अंतिम चरण का जो मैच होगा यानी कि जो मेगा फाइनल सुपर फाइनल जो खेला जाएगा वो खेला जाएगा 2020 विश्व कप का। ऑस्ट्रेलिया होस्ट करेगी, भारत बहुत ही प्रबल दावेदार मानी जा रही है इस वर्ल्ड कप को उठाने के लिए, लेकिन फिर भी इंग्लैंड, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड कुछ ऐसी टीम है जिनको आप साइडलाइन नहीं कर सकते, क्योंकि T20 का ऐसा फॉर्मेट है जिस दिन कोई भी टीम किसी को अपने दम पर हरा सकता है, किसी भी टीम को हैंड्स डाउन बीट कर सकता है। तो ये था हमारा अपडेट शेड्यूल को लेके, फाइनल कब खेला जाएगा, सेमीफाइनल कब खेला जाएगा, प्लेऑफ से जगह हमने आपको बता दी है, सिडनी, एडिलेड, मेलबर्न में जो मैच खेले जाएंगे अंतिम चरण के 3 मैच खेले जाएंगे। वहीं भारत पहला मुकाबला खेलेगा अपना 24 अक्टूबर को साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। तो ये देखना बहुत ही फैसिनेटिंग रहेगा कि कौन सा कॉन्टेस्ट कौन सी टीम जीतती है, यानी कि बहुत फिक्चर्स होने वाले हैं, लगातार हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। लेकिन फिर भी जैसे 11 महीने बचे हैं अगले विश्व कप के लिए, T20 विश्व कप के लिए जो ऑस्ट्रेलिया में होगा, वहाँ पे नीदरलैंड ने क्वालिफाइंग राउंड जो दुबई में खेला जा रहा था वो जीत लिया है पापुआ न्यू गिनी को हराकर, और 6 टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं और वो मीट करेंगी एक और जो क्वालिफाइंग राउंड होगा विश्व कप से जस्ट पहले खेला जाएगा 18 से 23 अक्टूबर में। उसके बाद सुपर 12 का महामुकाबले शुरू होगा 24 अक्टूबर को। देखते हैं अब इंडिया अपना दोबारा, या कह लीजिए 2007 के बाद जो T20 विश्व कप अभी तक नाम नहीं कर पाई है, क्या ये जो सूखा है, ड्राउट है, ये खत्म होता है कि नहीं। आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, इस वीडियो को शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स।